Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul. तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, और इस खूबसूरत से नज़ारे पर चार चांद लगा रहे हैं ये बर्ड जो कि आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये है यहाँ पे इस वाले बर्ड को यहाँ पर जल पक्षी कहा जाता है, वाटर बर्ड। तो दोस्तों इन पक्षियों ने क्या करा हुआ है कि ये पानी में ही रहती हैं, और इन्होंने क्या करा हुआ, जितने भी यहाँ पर पेड़ है सब में, पूरे पेड़ों में घोंसले बनाए हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पर अभी हमें आगे दिखने वाला है शेरपूंछ बंदर, और अभी हम शेरपूंछ बंदर देखने को चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, ये है यहाँ पर शेरपूंछ बंदर, देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत दूर दूर बैठे हुए, इसके लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हो ये इस रूफ के नीचे बैठा हुआ है, और आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ आ रहा है यहाँ पर। ये शेरपूंछ बंदर है, देख सकते हो आप आ रहा है। तो दोस्तों ये क्योंकि बहुत दूर दूर बैठे हुए, तो इसके लिए क्लियर, ये देख सकते हो आप शेरपूंछ बंदर। ये दोस्तों देखो ये अभी अंदर जा रहा है, इसको शायद धूप में प्यास लगी होगी या फिर इसे भूख लग रही होगी, इसके लिए अंदर जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और एक ये और आ चुका है शेरपूंछ बंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं शेरपूंछ बंदर को, अब इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं आगे, और अभी इसके बाद आगे हम देखेंगे बबून। बबून पता नहीं क्या होता है, अभी देखेंगे बबून क्या होता क्या है बबून। यहाँ पर अभी शेरपूंछ बंदर को ही देख रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप यहाँ पे बबून, इसका नाम बबून है, और यहाँ पर इस बबून ने ना बहुत सारे बच्चे भी दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं बच्चे बड़े प्यार से। तो जो कि अब इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है पाड़ा हिरन, इसे बोलते हैं पाड़ा हिरन, जो कि बहुत सारे झुंड में बैठे हुए और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं पाड़ा हिरन। देख सकते हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं पाड़ा हिरन। और इसके बाद ये जो आपको सामने दिखा रही है, इसे बोलते हैं सांबर हिरन। ये है सांबर हिरन, जो कि ये भी बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, और इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको दिख रहे होंगे। बड़े बड़े तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, बाकी ये सारे बच्चे ही नज़र आ रहे, बड़े बड़े पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ बड़े बड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे सारे बच्चों का झुंड बैठा हुआ था। ये है पाड़ा हिरन बोलते हैं इसको, पाड़ा हिरन के नाम से जाना जाता है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। अब हमें नज़र आएगा यहाँ पर गौर, गौर पता नहीं क्या कहते हैं गौर, अब हम देखने वाले हैं गौर, क्योंकि यहाँ पे आगे जो हमने लिस्ट पढ़ी थी ना उसमें, उसके बाद हमें गौर दिखेगा, उसके बाद हमें चीतल हिरण दिखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों अभी गौर कैसा होता है, अभी आगे देख सकते हो, अब आगे चलते हैं। नहीं अभी हमें गीदड़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये है यहाँ पर गीदड़, जिसे हम फॉक्स कहते हैं, देख सकते हो दोस्त। ये दोस्तों आपको दिख रही होगी गीदड़, ये देखो ये फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, और ये बार बार फ़ोटो खींचने दे रही है, सब लोग इससे काफ़ी खुश है कि ये काफ़ी फ़ोटो खींचने दे रही है। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ये चीतल हिरण है दोस्तों, चीतल हिरण के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ मैंने देखा है ना ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिरण की प्रजातियाँ हैं, बिल्कुल अलग अलग टाइप की हिरण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अभी तक हमने देखा पाड़ा हिरण, फिर उसके बाद हमने देखा सांबर हिरण, अभी ये चीतल हिरण देखने को मिला हमें। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं हम आगे, अब हमें इसके बाद दिखाई देगा शायद गैंडा, क्योंकि लिखा हुआ लिस्ट में गैंडा ही था। तो देखते हैं दोस्तों अभी आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमें चीतल हिरण ही देखने को मिल रहा है। बहुत दूर दूर तक चीतल हिरण नज़र आ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो, ये देख सकते हो इसके जो सींग है, इन सींगों पे काफी जैसे बाढ़ सिंह होता है ना, तो वैसे ही दिख रहा है कुछ। Fire went out, lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't
scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ये दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भारतीय गैंडा के नाम से इसे जाना जाता है। देख सकते हो आप, इसमें ऐसे लग रहा है जैसे इस गैंडे ने चादर ओढ़ी होगी, और अपने आप में आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। मैंने आज पहली बार इस लाइव में गैंडा देखा है, देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा नज़र आ रहा है, देख सकते हो दोस्तों। अब इसके बाद हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे रैप्टर। अब देखते हैं रैप्टर किसे बोलते हैं, रैप्टर भी मुझे नहीं पता रैप्टर किसे बोलते हैं, पर अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोर पैरोट, देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें मोर नज़र आ रहे हैं। लिखे उन्होंने कुछ और है, लेकिन देख कुछ और है, यहाँ पर हमें अभी मोर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, अभी मोर दिखाई दे रहा है। ये हमारी आरू इंजॉय करते हुए, बहुत ही इंजॉय कर रही है, उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है एनिमल को देख के। तो दोस्तों अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लकड़बग्गा है जो कि मैंने आज पहले टाइम देखा है, पहले लाइव में भी पहली बार देख रही हूँ, मूवियों में बहुत बार देखा है। This cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं दरियाई घोड़ा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है शायद, यहाँ पीछे इन्होंने तालाब टाइप का बनाया हुआ है, तो उसमें सो रखा है शायद दरियाई घोड़ा। तो चलो फिर दोस्तों, यहाँ पर दो तीन जगह पे दरियाई घोड़े हैं, तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, देख सकते हो दोस्तों छोटी सी मुंडी दिखाई दे रही है, और ये है यहाँ पर वाइट हिरन जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं वाइट हिरन, और काफ़ी झुंड में दिख रहे हैं दोस्तों, आपको कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये वाइट हिरन है दोस्तों। अब दोस्तों हमें दिखने को मिलेगा, ओ यहाँ पे और भी क्यूट लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बेबीज़ भी हैं वाइट हिरन के, तो आप देख सकते हो कितने सारे प्यारे लग रहे हैं वाइट हिरन, वाइट ब्राउन दोनों एंड में, लेकिन ज़्यादा वाइट हिरन दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ बैठे हुए हैं कुछ घूम रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वाइट हिरन। तो दोस्तों आप देखते हैं अभी हमें क्या देखने को मिलेगा आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मिल गया हमें दूसरी जगह पे दरियाई घोड़ा, जो कि बहुत ही बड़े दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, गोल मटोल टाइप का, और आप तो जानते ही ये अफ्रीका में पाया जाता है, और अफ्रीका में ही ये, और इन्हें जल मतलब ये पानी में ही ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। तो दोस्तों अभी देखते हैं अभी आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये एक शेर दिख गया हमें, देख सकते हो आप शेर दिख रहा है आपको, लेकिन ये काफ़ी शायद मुझे लग रहा है काफ़ी बूढ़ा हो गया है, इसके लिए चल नहीं पा रहा है, और सो गया है पेड़ के किनारे, जो कि आपको दिख रहा होगा अभी तक बहुत। और ये बंदर, ये तो ऑलमोस्ट आपको सब जगह दिखाई देते होंगे, ये कोई चिड़ियाघर का बंदर नहीं है दोस्तों, ये ऐसे ही बैठा हुआ। और ये देख सकते हो आप हाथी, देख सकते हो काफ़ी बड़ा लग रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे फीमेल
हाथी है, और अंदर आपको अभी दिखाती हूँ, अंदर अंदर आपको दिखाई देगा ये मेल हाथी है, अंदर उसे बांधा हुआ है, शायद वो काफ़ी अग्रेसिव होगा इसके लिए उसे बांध के रखा हुआ। दोस्तों आप देख सकते हो इसे बिल्कुल बांध के रखा हुआ, और बहुत ही बड़ा साइज़ है दोस्तों इनका। मैंने आज सच में हाथी भी पहली बार ही देखा है, क्योंकि देहरादून में तो जू है, चिड़ियाघर है, लेकिन उस वाले चिड़ियाघर में बहुत कम एनिमल है, लेकिन यहाँ दिल्ली वाले चिड़ियाघर में मुझे ऑलमोस्ट सारे एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें तीन मगरमच्छ दिख रहे हैं, लेकिन ये बीच वाला मगरमच्छ इसने मुंह आ करके रखा हुआ है, बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा है सच में, बिल्कुल मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आर्टिफिशियल है, लेकिन नहीं, सब लोग बोल रहे हैं नहीं आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल ही है तीनों के तीनों। ये बिल्कुल स्टैचू की तरह सो रखे हैं, धूप सेक रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो उनको। तो दोस्तों अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं सफ़ेद बाघ। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर दो सफ़ेद बाघ, दोस्तों अभी आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब देख सकते हो दूसरा इसी के बगल में है। और दोस्तों अभी आपको इतना क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, एक बहुत ही बड़ा सफ़ेद बाघ अंदर भी इन्होंने, वो शायद काफ़ी एग्रेसिव होगा, जंप भी काफ़ी मार लेता होगा, इसके लिए उसे बिल्कुल इनके अंदर पैक करके रखा हुआ है। बाकी इन सफ़ेद दो बाघों को बाहर ही रखा हुआ दोस्तों आप देख सकते हो इन दोनों को, ये देख सकते हो दोस्तों दोनों आपस में खेल रहे हैं, और काफ़ी ब्लैक धारी धारी धारीदार है इनमें, और ये शायद इनका मांस, इनका जो खाना है उन्होंने रखा हुआ उसके साथ जा रहे हैं खाने के लिए, लेकिन खाया नहीं उन्होंने दोनों के दोनों। तो दोस्तों आपने देख लिए होंगे दोनों सफ़ेद बाघ, अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो आपको सोया हुआ दिख रहा है, ये उत्तराखंड में पाए जाने वाला बाघ है, अब आपको दिख रहा होगा येलो कलर का और ब्लैक स्पॉट, और ये आप देख सकते हो घड़ियाल जो कि सोया हुआ है, ये भी शायद मुझे लग रहा है स्टैचू जैसे ही रहते हैं घड़ियाल मगरमच्छ टाइप जो भी होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो scream so loud, we are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on, you're not a big। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी सुंदर पक्षी है, और इसके पांव और गर्दन आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी लंबी है। तो दोस्तों जब इसे दूर से कहीं शेर भाप जाता है कि मुझे खतरा है, तो दोस्तों ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और अपने आप को बचाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा मैंने आपके साथ चिड़ियाघर का ब्लॉग सारा शेयर किया, तो अभी मैं चिड़ियाघर का ब्लॉग, अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिया गेट, तो इंडिया गेट का ब्लॉग आपके साथ दूसरा पार्ट टू में शेयर करूँगी। तो चलो फिर दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले और भी ब्लॉग क्लिक करें। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो इंडिया गेट वाले में, बाय बाय, टेक केयर।